मेरा मानना है कहीं ना कहीं कि अभी जो नई सरकार बनी है, नई नई जो कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, तो उनको नए नए कहीं वो अभी देखे उन तक अगर ये पहुंच रही है न्यूज़ नीट को लेकर मेनली, तो जहां सबसे बड़ा भी स्कैम हुआ है, तो मे बी वो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करवाएं, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए कहीं ना कहीं तो उनको एक्शन लेना चाहिए। तो ये बहुत गलत हो रहा है, मेरा मानना है। गरीब के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और अमीर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि इसके लिए एनडीए सरकार को, जो अभी नए नए रूल लागू करने वाले हैं लोग, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका लाइफ ख़राब हो जाता है, एक साल दो साल पाँच साल तक ख़राब हो जाता है, होता ही नहीं है जॉब किसी किसी का। तो देखिए, उम्मीद तो स्टूडेंट को होना करना ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बन चुकी है तो उम्मीद तो करना ही होगा। और भी जितना वैकेंसी आ रहा है स्टूडेंट को, उसमें मान के अपना तैयारी करना चाहिए और उसमें सीट लेना चाहिए। यही लगता है कि हो सकता है जॉब, फिर भी यदि पेपर लिखना हो तो मे भी पॉसिबल हो कि जॉब हो जाए। मेरी उम्मीद है कि इस बार सरकार वैकेंसी दे और अच्छा हम लोग अच्छे से जॉब में जाए, यही उम्मीद है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बार फिर एनडीए की सरकार देश में बन गई है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लक्ष्य केयर लाइब्रेरी में है और यहां का तस्वीरें दिखाएंगे जहां पे सभी छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों से बात करेंगे एक बार फिर से। और नरेंद्र मोदी बन गए हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बार का आप लोग के लिए क्या कुछ? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश न्यूज के लिए। इस बार जैसे इंडिया का सरकार तीसरी बार बनी है, तो एज ए स्टूडेंट जिस तरह से हम लोग हैं देख रहे हैं कि उनका वादा था कि नौकरी देने का, तो उस तरह से कुछ जो नौकरी हुआ वो मिला भी, लेकिन बेसिकली स्टूडेंट के तौर पर देखा जाए तो वैकेंसी जो है उसको नियमित किया जाए, सरकार से उम्मीद रहेगी। और जो पेपर लीक का मामला है उस पर ध्यान दिया जाए सरकार को, कि अमूमन पेपर जो होते लीक हो जाते हैं, और अभी हाल में ही नीट का जो पेपर है चल रहा है जो लीक हुआ है, तो स्टूडेंट का मांग है कि उसको किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है और एग्ज़ाम को रद्द करके रिकंडक्ट करने का काम किया है, तो गवर्नमेंट से पहला तो यह है कि ये किया जा सके। कितना घंटा पढ़ाई? देखिए, मेरा मानना है कि स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो मतलब मैक्सिमम टाइम जितना आप अपने एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं देना चाहिए। सरकार को उम्मीद है कि इस बार जो है वैकेंसी का? देखिए, उम्मीद तो स्टूडेंट को होना करना ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बन चुकी है तो उम्मीद तो करना ही होगा और विश्वास करके चलना ही होगा सरकार पर। एज ए स्टूडेंट और देखें तो सरकार जो वैकेंसी दे रही है ज़्यादातर तो उनका ध्यान प्राइवेटाइजेशन की ओर है, तो जो जितना वैकेंसी आ रहा है स्टूडेंट को उसमें मान के अपना तैयारी करना चाहिए और उसमें सीट लेना चाहिए। चलिए, यहाँ पर और कुछ स्टूडेंट है, देख सकते हैं काफ़ी जो स्टूडेंट है लगातार तैयारियाँ कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? जी सर, मेरा नाम सुधांशु कुमार हुआ। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है, क्या कुछ उम्मीद लगाए हो इस? उम्मीद तो यही है कि जॉब वैकेंसीज निकाला जाए जिससे हम लोग को जॉब मिल पाएगा। क्या लग रहा है इस बार पेपर भी लीक होते रहता है, तो क्या लग रहा है इस बार जो है पेपर लीक ना हो तो आप लोग को नौकरी लगेगा क्या? जी, लग जाएगा पेपर लीक ना हो। जैसे कि आप एनटीए का नीट का एग्ज़ाम देख सकते हैं, उसमें कितना धांधली हुआ है, उसे तो नहीं लगता है कि हो सकता है जॉब, फिर भी यदि पेपर लीक ना हो तो मे भी पॉसिबल हो कि जॉब हो जाए। कितना घंटा अभी पढ़ाई? ये अभी तो हम सुबह 9 बजे आते हैं तो शाम को 7 बजे निकलते हैं यहाँ से। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग का। देख सकते हैं तमाम जो स्टूडेंट है लगातार तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? रागिनी कुमारी। क्या उम्मीद लगाए हुए हैं इस बार जो है एनडीए की सरकार बनी है, क्या उम्मीद है? जी, मेरी उम्मीद है कि इस बार सरकार वैकेंसी दे और अच्छा हम लोग अच्छे से जॉब में जाए, यही उम्मीद है। जिस तरह हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उस उम्मीद पर उतरे। कितना घंटा अभी पढ़ाई? अभी तो हम 8 घंटा करते हैं, 10 बजे जाते हैं और 6 बजे जाते हैं शाम को। मिस भी करते हैं, घर परिवार यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी नाम हुआ मेरा। मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और राइट नाउ टोटली आई एम डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ द नीट स्कैम। एज यू ऑलरेडी नो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था ऐसा नीट के लिए। तो बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हर बच्चों ने अपना बेस्ट एफर्ट दिया था, और जब उनको मालूम चला कि हाँ ये तब स्कैम हुआ है, पेपर खरीद लिया गया, पेपर लीक हो गया, एंड ये ग्रेस मार्क्स का सिस्टम जो कि मेडिकल प्रस्पेक्टिस में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि हाँ ऐसा कुछ है कि हाँ पेपर में ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, मेडिकल एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी नहीं है, तब भी ऐसा कराया गया है। तो मेरा मानना है कि एनडीए की जो सरकार बनी है
उनको स्ट्रिक्ट इसके लिए एक्शन लेना चाहिए और बहुत जल्द लेना चाहिए, या तो वो रीनीट करवाएं या फिर से वो रीचेकिंग करवाएं पेपर का रिजल्ट का। उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए इसके लिए, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है। बच्चे इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनको कुछ उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है सही से। आइदर या तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, नहीं तो फिर बच्चे इस तरीके से ही मैंने वो जाएंगे, कहीं ना कहीं तरीके से बच्चे डिवास्टेटेड हो ही रहे हैं, ब्रोकन डाउन हो रहा है हर जगह पे। बच्चे सोच रहे हैं या तो मेहनत भी कर रहे हैं, इतना कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनका, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। बिहार के कई मंत्री बने हैं, उन लोगों से कितना आपको अच्छी? मेरा मानना है कहीं ना कहीं कि अभी जो ये नई सरकार बनी है, नई नई जो कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, तो उनको नए नए कहीं वो अभी देखे उन तक अगर ये पहुँच रही है न्यूज़ नीट को लेकर मेनली, तो जहाँ सबसे बड़ा अभी स्कैम हुआ है, तो मे बी वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करवाएं, क्योंकि एनटीए जो है गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कहीं ना कहीं, तो वो केयरलेस कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट बड़ा एक्शन होना चाहिए इसके लिए। तो पिटीशन फाइल की जा रही है, जो बच्चे हाँ नीट पिटीशन फाइल किए हैं तो उनको उसके लिए ग्रेस मार्क्स दे दिया गया, ऐसा बताया जाए 1500 बच्चों ने उसके लिए पिटीशन फाइल किया था। और जो बच्चों को नहीं आता है फाइल करने, वो बच्चे क्या करेंगे? जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए कहीं ना कहीं तो उनको एक्शन लेना चाहिए। तो ये बहुत गलत हो रहा है, मेरा मानना है। गरीब के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और अमीर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उनके बच्चे ही डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं या फिर कुछ क्रैक कर सकते हैं। हर बच्चों का हक है क्रैक करने का, एग्ज़ाम देने का, एक अच्छा ऑफिसर बनने का, हर कुछ कर सकता है इंसान। तो बस मेरा यही कहना है कि इसके लिए एनडीए सरकार को, जो भी नए नए रूल लागू करने वाले हैं लोग, मैं चाहूँगी कि इसके लिए लोग एजुकेशन सिस्टम में तो सबसे पहले ये कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कराएं, कि इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो इससे कहीं ना कहीं। चलिए और कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं हम तो 5 घंटे ही करते हैं। क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस बार, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं, तीसरी बार उनका जो है सरकार बना है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। जो अभी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो होता है कि क्वेश्चन लीक हो जाता है, तो उस सभी चीज़ों पर सरकार को क्या? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबका लाइफ ख़राब हो जाता है, 1 साल 2 साल 5 साल तक ख़राब हो जाता है, होता ही नहीं है जॉब किसी का, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार के कई मंत्री जो है बने हैं मंत्री, इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं उन लोगों से? उम्मीद क्या रहेगा कि अच्छी फैसिलिटीज़ करे, और ये सब जो हुआ है नीट के लिए पेपर लीक हुआ है वो नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्या चीज़ की आप तैयारी? मेरा तो बोर्ड का है अभी। यहाँ पर स्टूडेंट है और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी दिखाइए, लाइब्रेरी में है और देख सकते हैं तमाम जो स्टूडेंट है लगातार तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ का भी तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम? अजीत कुमार। आदित्य जी, क्या कैसा तैयारी? अजीत कुमार जी कैसा तैयारी चल रहा है? बेटर चल रहा है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं फिर से सरकार बना है एनडीए का, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है कि बेहतर कर ले पहले से। जी, क्वेश्चन लीक होता है तो उससे भी आप लोग बहुत परेशानी होती है। क्वेश्चन लीक होती है तो किसी की सरकार रहे, एनडीए रहे, आरजेडी रहे, दोनों में तो लीक होता ही है। जी, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। देख सकते हैं तमाम जो स्टूडेंट हैं उनसे हमने खास बातचीत किया है, वही आपको बता दीजिए। लगातार जो है एनडीए की सरकार बनने के बाद लगातार जो है काफ़ी सरकार जो है लगातार नए नए नियम ला रहे हैं। ऐसे में हम एक लाइब्रेरी में पहुंचे थे और यहाँ पर स्टूडेंट थे, उन लोगों का अलग अलग सपना है और अलग अलग उन लोगों के जो है सरकार से मांग है। ऐसी ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाशन लाइव के YouTube चैनल पर बने रहे, वही फेसबुक पेज पर खबर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत।